वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, या मैं 316 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट्स करवा दिए हैं, यदि आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो पहला वर्ड है आप लोगों के सामने, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है कोई चीज़ वास्तविक हो, कोई चीज़ रियल हो, मतलब रियल, रियल का जो सही सिनोनिम होगा। एप्रीहेंड मतलब किसी को गिरफ्तार कराना, किसी को सीज कराना, उसको अरेस्टेड बोला जाता है, सही सिनोनिम होगा अरेस्टेड। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज मतलब होता है कोई चीज़ का बीमारी या कोई चीज़ का सिम्टम्स होगा, जैसे स्पेशली कोई चीज़ का, उसको डिजीज कहते हैं। जैसे इलनेस इसका सही सिनोनिम होगा, इलनेस भी बीमारी को कहा जाता है, डिजीज भी बीमारी को ही कहा जाता है। चलिए जो नेक्स्ट है इफिशियंट। इफिशियंट का मतलब होता है, इफिशियंट का जो सही मतलब हो जाएगा कोई चीज़ कैपेबल। इफिशियंट मतलब सक्षम, आप कोई चीज़ में सक्षम है, एफर्ट लगा के काम कर सकते हैं, उसको इफिशियंस बोला जाता है। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा कैपेबल। नेक्स्ट है कनकील। कनकील का मतलब होता है कोई चीज़ को जैसे छुपाना, लुका छुपी खेलते हैं, कोई चीज़ छिपा देना, उसको हाइड करना, हाइड एंड सीख खेलेंगे, हाइड मतलब छुपाना से, तो कनकील इसका, कनकील मतलब छिपाना, तो हाइड इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद आप लोगों का राइट। राइट मतलब कोई चीज़ जो सही हो, करेक्ट हो, तो उस राइट का सही सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। उसके बाद एग्जॉट। एग्जॉट का मतलब जो होता है, मतलब कोई चीज़ को ढकेलना, कोई चीज़ को पुश करना, उसको एग्जॉट बोला जाता है, दबाव डालना। कोई चीज़ के ऊपर आप यदि दबाव डालते हैं, कोई चीज़ के ऊपर दबाव डालना, उसको एग्जॉट बोला जाता है। नेक्स्ट जो है रिपार्टी। रिपार्टी मतलब रिस्पॉन्स। कोई चीज़ का यदि आप रिस्पॉन्स देते हैं, यदि आप कोई चीज़ का जवाब देंगे, यदि आप जवाब देंगे कोई क्वेश्चन का, तो उसको बोला जाता है रिपार्टी, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है पोच। पोच मतलब होता है बेसिकली आपका, पोच मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से। कोई यदि काम आप यदि इलीगल तरीका से करेंगे प्रैक्टिस, तो उसको गैर कानूनी बोला जाएगा, तो उसको हंट बोला जाता है, इसका सही सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब कोई चीज़ यदि कोई जैसे आपको संचेत करता है कोई चीज़ के लिए, मतलब पूर्वानुमान लगाता है, प्रेडिक्शन लगाता है। प्रेडिक्शन जो देखते हैं आप लोग कि इस चीज़ का आज क्या प्रेडिक्शन होगा, उसको पूर्ण अनुमान बोला जाता है, मतलब आज क्या होगा फोरकास्ट। वेडर यदि आप लोग एबीपी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ देखते हो, उसको फोरकास्ट वेडर, वेडर दिखाता है, मतलब आज ये संभावना रहने वाला है, इतना से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, तो 35 रहने वाला है इस स्टेट में, इसी को फोरकास्ट बोला जाता है, मतलब आगे के होने वाला चीज़ को संभावना करना कोई चीज़ का। नेक्स्ट है इस प्योनेज। इस प्योनेज का मतलब जो आप लोगों का होता है, इस प्योनेज मतलब कोई चीज़ का जासूसी करना, कोई चीज़ का जासूसी करना, तो इसका जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो देखते हैं। स्पियोनिस का जो सही सिनोनिम होगा आप लोगों का, स्पियोनिस मतलब कोई चीज़ का जासूसी करना, तो इसका जो स्पाइंग इसका सही सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब जैसे कोई चीज़ का आपका सहमति, सहमति इसका सही सिनोनिम होगा, सहमति, सहमति, तो एग्रीमेंट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा मतलब कोई चीज़ रहस्यमय, कोई चीज़ मिस्ट्री बना, कोई चीज़ पजल बना हुआ है, कोई मिस्ट्री भी हो सकता है इसका, मतलब वो चीज़ रहस्यमय है, तो उसको बोला जाता है एनिग्मा। नेक्स्ट जो है आप लोगों का इसके बाद लिविड। लिविड मतलब कोई चीज़ के लिए यदि भयंकर हो, सनसनी, सनसनी आप लोग देखते होंगे, सनसनी श्रीवर्धन लाते हैं एबीपी न्यूज़ पे रात को 11 बजे, तो उसको सनसनी बोला जाता है, शॉकिंग, लिविड उसका, लिविड मतलब शॉकिंग, शॉकिंग याद रखिएगा, सनसनी कोई चीज़ सनसनी रहेगा, शॉकिंग रहेगा, तो उसको सनसनी बोला जाता है, भयंकर रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद मेग्री का मतलब जो आप लोगों का होता है बहुत कम, मतलब थोड़ा सा एकदम कम मात्रा में अल्प मात्रा में, उसको दुर्बल कोई हो उसको भी मेग्र बोला जाता है, दुर्बल, तो इन एडिक्वेट इसका जो सही सिनोनिम होगा, मतलब कम है थोड़ा मात्रा में, उसको इन एडिक्वेट बोला जाता है। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, मतलब जो सरल हो जो स्पष्ट हो, उसको कैंडिड फ्रैंक बोला जाता है, फ्रैंक उसका सही सिनोनिम हो जाएगा कैंडिड का। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस मतलब कोई जो ब्लिस होता है आनंदमय,
कोई चीज़ आनंद का बात हो, हैप्पीनेस का बात हो, खुशी का बात हो, उसको ब्लिस बोला जाता है। नेक्स्ट है डीके। डीके मतलब कोई चीज़ को, जैसे कोई चीज़ सड़ना, कोई चीज़ सड़ जाता है, गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको डिकम्पोज और डीके मतलब कोई चीज़ सड़ना, कोई चीज़ खराब होना, सड़ना खराब होना, उसको डीके डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब जो होता है अकेलापन, कोई चीज़ अकेला है, लोनली सो सुने हैं, अलोन भी सुने होंगे आप लोग, मतलब अकेला है, सॉलिटरी है, लोनली है, मतलब अकेलापन, तो उसका अकेलापन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब दयामयी, कोई आदमी दयावान है, कोई सहानुभूति दिखाता है, तो उसको सिंपैथेटिक बोला जाता है, काइंडली बोला जाता है, टेंडर बोला जाता है, ह्यूमैनिटी बोला जाता है उसके अंदर है, ह्यूमैनिटी भी सही से नियम हो सकता है। कंपैशनेट का होता है सिंपैथिक, सही सिनोनिम मतलब कोई चीज़ का सिंपैथिक दया भाव है, उसके अंदर करुणा है, कंपैशनेट है, सिंपैथिक है, काइंडली है, तो उसको कंपैशनेट और सिंपैथिक से सही सिनोनिम है। कोर्स, कोर्स मतलब होता है रफ, कोई चीज़ रफ है तो उसको कोर्स बोला जाता है, रफ कोर्स याद रखिएगा कोर्स। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है कोई चीज़ का गलती करना, गलती करना मिस्टेक करना, उसको ब्लंडर बोला जाता है। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब कोई चीज़ जैसे हार्ड वर्किंग है, कोई वर्किंग हार्ड करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको डिलीजेंट बोला जाता है, एसीडीएस उसका सही सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट जो आप लोग का इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जरूरी का सामान, इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी है उसका, वाइटल है, वाइटल है मतलब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा काम का चीज़ है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, इसेंशियल वाइटल एक सही सिनोनिम इसेंशियल का, मतलब ज़रूरत का सामान है। नेक्स्ट है जे, नेक्स्ट बस आज इतने ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर जो यहाँ से बचा है 340 से करवाना स्टार्ट करूँगा। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना आपका काम है। यहाँ पर ही मैंने पूरा अभी तक 340 सिनोनिम्स को डिस्क्राइब कर दिया है, 340 जो कि बहुत ह्यूज संख्या में है, कोई आपको यूट्यूब में इतना तो कराता नहीं है, मैंने आपको इतना करवाया है अच्छा से समझा के। तो आप लोग एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और PDF चाहते हैं इसका, तो टेलीग्राम में जाके GK करेंट अफेयर्स पॉइंट, जो चैनल का नाम है मेरा करेंट अफेयर्स पॉइंट, तो इसमें देखिए करीब 250 मेंबर्स है, ये वाला चैनल में ऐड हो जाइएगा, या इसमें भी कोई दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को तो मैं एक नंबर देता हूँ, ये एडमिन है उस ग्रुप के, इनको भी मैसेज आप लोग कीजिएगा इस नंबर पे टेलीग्राम पे, तो ये आपको ऐड कर लेंगे, इनको मैं एडमिन बना के रखा हूँ, अच्छे ही स्टूडेंट है इसीलिए, तो ये आपको ऐड कर लेंगे, इनको मैंने बोला है कोई भी आपको मैसेज करता है तो इनको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।